हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन इन द पार्ट 5 ऑफ महामैराथन। इस क्लास के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम शेक्सपियर। आपको फोटो दिख ही रही होगी, शेक्सपियर एक लेजेंड है। शेक्सपियर एक बहुत बड़ा सेक्शन है हमारे सिलेबस में, जिसको जितना भी कवर कर लो उतना ही कम लगता है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ, मैं ये आशा करती हूँ कि आपने शेक्सपियर के सारे इंपॉर्टेंट प्लेस की समरी एटलीस्ट ज़रूर पढ़ ली होगी। तो आज के सेशन में आपको ये चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हैं और कितने क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत मुश्किल लग रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो मैंने सुने ही नहीं है। सो इस पूरी प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि हमें शेक्सपियर के हम पूरा ही कवर कर लेंगे। हमें ये पता चलेगा कि शेक्सपियर में से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जो हमने समरीज पढ़ी हैं क्या हमने सही तरीके से पढ़ी है, या हमारी कोई कमी रह गई है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि लिटरेचर की हर लाइन के हर एक वर्ड से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन मैं लाई हूँ, ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पिछले सालों के पेपर से लाई हूँ, तो इनको करने से भी हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और एक कॉन्फिडेंस आएगा। एक लास्ट बात जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ अभी सेशन शुरू करने से पहले, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कोई अननोन क्वेश्चन देखते हैं, हमें ये कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, जब भी कोई अननोन क्वेश्चन देखते हैं या यूट्यूब पे किसी यूट्यूबर से कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जो उनको लगता है कि यार ये तो सेक्शन मैंने पढ़ा था बट मुझे तो कुछ आ नहीं रहा है, मैं क्या क्या पढ़ूँ, मैं कोई रोबोट हूँ, मैं कोई मशीन हूँ, कितना बड़ा सिलेबस है। सो गाइज, आपको रिलैक्स करना पड़ेगा। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, मैं मानती हूँ सिलेबस भी हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, बट जनरली कोई भी एग्जाम बनता है उसमें ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सारा का सारा पेपर डिफिकल्ट हो, ठीक है। उसमें उसको इस तरह से बनाने के गाइडलाइंस होते हैं कि उसमें 40 से 50% जो है क्वेश्चंस आसान होंगे, फिर उसके बाद एवरेज होंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस 8-10 क्वेश्चन जो हैं वो डिफ़िकल्ट भी होंगे। बट हमें जितना स्कोर करना है हमें वो एवरेज और इजी वाले पोर्शन से निकल आता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सारा सिलेबस एक बार हमारी आंखों के निकलना बहुत ज़रूरी है आंखों के सामने से, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और हमारी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो हमें इस चीज़ में हेल्प मिलती है जब हम पूरा सिलेबस देख के जाते हैं कि हम एक इंटेलिजेंट गेस के थ्रू उसको कर सकते हैं। सो ये मत सोचो कि अरे वो वाली मैडम ने तो ये वाले क्वेश्चंस कराए थे, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ऑथर्स तो मैंने कवर ही नहीं किए। हमने भी आपको अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक अच्छी बड़ी लिस्ट दी है ऑथर्स की, उसको आप कवर कर लो। वैसे तो देखो जैसा लिटरेचर जो है अनएंडिंग है, और जो पेपर सेटर होगा वो कैसा भी पेपर सेट कर सकता है, बट मैंने आपको जैसा कहा कि एक गाइडलाइन होती है, पेपर को कभी भी इस तरह से नहीं बनाया जा सकता कि उसमें से 100 के 100 क्वेश्चन जो है वो ऐसे आ जाएंगे जो आपने कभी पढ़े ना हो, इसी सिलेबस से आएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपसे मेहनत करवा रही है, तो जॉब लगने के बाद वो एक्चुअल में सूद समेत आपको इस मेहनत का पैसा देती है, वापस कर देती है। सोचो जब कोविड था सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरीज मिल रही थी, सो इतनी मेहनत करने का ये फल होता है, बेनिफिट होता है कि एक जॉब सिक्योरिटी वाली जो जॉब है वो हमें मिल जाती है। सो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिशन है आई नो, बट असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ बैठ जाती है कि मेरे लिए मुश्किल है, तो हमें ये नहीं सोचना है। हमारा देखो गीता में भी ये चीज़ लिखी है कि हमारा काम जो है वो कर्म करना है, हमें काम करना है, हमें मेहनत करनी है, फल वो हमारी मेहनत देख के देगा। अगर पीछे भी किसी को, जैसे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम मैंने 4 साल पढ़ाई की, 5 साल पढ़ाई की, मेरी नौकरी नहीं लगी, कहीं ना कहीं या तो हमारी तैयारी में कमी रह गई, या गॉड के कुछ प्लान्स होते हैं, है ना, वो तैयारी कभी भी वेस्ट नहीं जाती, हम बस लास्ट में पहुंचने वाले होते हैं। तो हमें ये समझ के मेहनत करनी है कि मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपना 100% दूंगी, फिर भगवान की मर्जी है, फिर मेरी किस्मत है, ठीक है। हमारे हाथ में और कुछ नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, अपने तरफ से 100% देना है। तो चलो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज हम शेक्सपियर को पढ़ेंगे। शेक्सपियर के सारे प्लेज में से क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, ठीक है, और जो मेन मेन प्लेज हैं उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पिछले सेशंस में भी, मिक्स क्वेश्चंस में भी शेक्सपियर को कवर कर चुकी हूँ, जिसमें ट्रेजेडीज हो गई, मैकबेथ हो गया, हैमलेट हो गया,
इसमें बाकी के प्लेज की जो है क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन व्हाट ईयर शेक्सपियर बोर्न। अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं तो उसका बर्थ ईयर हमें पता होना चाहिए। अच्छा मैं हाईलाइट करती जाऊंगी आंसर, नहीं तो आप लोग बोलोगे मैम आप आंसर्स नहीं बताते हैं। सो जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में, तो ये हमें पता होना चाहिए। 23 अप्रैल, बर्थ एंड डेथ डेट्स जो हैं वो सेम है उनकी, 1623 में जो है, सॉरी 1616 में उनकी डेथ हुई थी, 1564 में उनका बर्थ हुआ था। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन विच टाउन और सिटी। शेक्सपियर का जन्म हुआ था स्टैटफोर्ड अपॉन एवन। एवन क्या है? नदी है। ये चीजें मैंने शेक्सपियर को जब डिस्कस किया था आपको बताई थी। शेक्सपियर अपॉन एवन जो है वो उनका बर्थ प्लेस है। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है। अपस्टार्ट क्रो मतलब नया नया कौवा। इसको मैं ऑलरेडी पिछले सेशंस में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो आपको ये आंसर्स जो हैं आपने काउंट करने हैं कि आपको कितने आए, और मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में बताना कि जो 75 क्वेश्चंस हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, कितने क्वेश्चंस आपने तुक्के मारे और सही हो गए। तो एक नोटबुक लेके बैठो और उसमें नोट करते जाओ, 3 सेक्शन बना लो, जो मुझे एक्चुअल में आते थे, जो मैंने तुक्का मारा, और जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। सो अपस्टार्ट क्रो जो है वो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? आज हम लोग सब कहते हैं कि शेक्सपियर एक बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट थे, उस टाइम पर भी शेक्सपियर की बहुत ख्याति थी। सो रॉबर्ट ग्रीन ने एक ऐसे लिखा था जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में जो शेक्सपियर हैं वो इतने फेमस हो रहे थे एंड लोग उनसे जलते थे। सो रॉबर्ट ग्रीन ने उनको एक नया नया कौवा कहा है, क्योंकि वो सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे थे। एंड इस बात की यूनिवर्सिटी विट्स को, यूनिवर्सिटी विट्स कौन है? 7 ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, ड्रामेटिस्ट थे, अच्छे प्लेज लिखते थे। तो इनको ये था कि हम तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, हम कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, और ये जो बंदा है ये एक छोटे से ग्रामर स्कूल से पढ़ के आ गया और हमारे साथ कम्पीट कर रहा है, राइट? सो अपस्टार्ट क्रो इनको कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने। इन वट ईयर एज द ग्लोब थिएटर बिल्ट। ग्लोब थिएटर क्या है? ग्लोब थिएटर एक थिएटर है जो हम ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर का भी उसमें हिस्सा था, हिस्सेदारी थी। कोलैबोरेशन में ये बिल्ट किया गया था, 1599 में इसको बिल्ट किया गया था। सो किसने बिल्ट किया था, मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ क्योंकि इसमें से हमें और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1599 में क्या हुआ था? शैम्बरलेन, लॉर्ड शैम्बरलेन मेन करके एक ड्रामा कंपनी थी, ठीक है? वो लोग प्लेस करते थे, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और एक थिएटर बनाने का सोचा, ग्लोब थिएटर उन्होंने बनाया, ठीक है, जिसमें शेक्सपियर ने भी पैसा डाला था। तो काइंड ऑफ वो भी एक पार्शियल मेंबर थे इसके, उनका भी ये थिएटर था। सो ये जो थिएटर है इसके बारे में मैं बता देती हूँ, ये इतना बड़ा था, 3 स्टोरी बिल्डिंग थी इसकी। इसमें एक एयर एम्पी थिएटर था। एयर एम्पी थिएटर क्या होता है? जिसमें कि ओपन थिएटर होता है, चारों तरफ सीढ़ियों नुमा सीट्स बनी होती है, सेंटर में स्टेज होती है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि इसमें 3,000 लोग बैठ सकते थे, प्ले देख सकते थे। और एक डिटेल मैं आपको बताती हूँ, इसको जो है आग लग गई थी 1613 में। किस लिए लग गई थी? एक प्ले चल रहा था हेनरी 8, जिसमें कि एक मिस परफॉर्मेंस की वजह से मिस फायर हो जाती है एंड ये बिल्डिंग पूरी जल जाती है। फिर इसके बाद 1614 में इसको दोबारा से बनाया गया, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हो गया, ये थिएटर पुराना हो गया, खत्म हो गया, एंड दोबारा से अभी भी इस थिएटर को बनाया गया है 1997 में। 1997 में इसी थिएटर के एक स्ट्रीट छोड़ के ग्लोब थिएटर या शेक्सपियर्स ग्लोब करके एक थिएटर वहां पर बनाया गया इंग्लैंड में। बट इसमें 1600 लोग बैठ सकते हैं और इसको फायर प्रूफ भी किया गया है। और किसने बनाया, किसकी मेहनत थी, वो सारी हम अगले क्वेश्चंस में कवर करेंगे, ठीक है? सो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। सर्कुलर जो है राउंड फॉर्म में स्टेज होती थी, 3000 के आसपास लोग बैठ सकते थे। तो सोचो कितना पॉपुलर था उस टाइम पे ड्रामा, कि इतने लोग देखने आते होंगे, तभी इतना बड़ा थिएटर जो है वो बिल्ट किया गया था।
Shakespeare collaborated with which author on the play The Two Noble Kinsmen? So Shakespeare ने किन के साथ collaborate किया था? Shakespeare ने collaborate किया था जॉन फ्लेचर के साथ। वैसे तो द टेम्पेस्ट जो है वो 36th प्ले है जो फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर के लिखा गया है। 36 प्ले उसमें है और जो 37th प्ले है वो माना जाता है द टू नॉबल किन्समैन, जो कि जॉन फ्लेचर के साथ कोलैबोरेशन में उन्होंने लिखा था। इन विच ईयर डिड शेक्सपियर डाई? सो शेक्सपियर की जो डेथ है वो होती है 1616 में, 23rd अप्रैल 1616, अपने ही बर्थडे के दिन जो है इनकी डेथ होती है। इन विच ईयर शेक्सपियर्स फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ प्लेज कॉल्ड द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड? सो फर्स्ट फोलियो जो है वो कब पब्लिश हुआ था? ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट वाली ईयर्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस सीरीज में। 1623 में इनका इनकी डेथ के बाद दो लोगों ने, हेनरी कॉन्डल हैं और जॉन हैमिंग्स, ये दोनों को प्लेयर्स थे शेक्सपियर के साथ ही ड्रामा में, प्लेयर्स थे उनके साथ काम करते थे। उन्होंने इनके 36 प्लेज को इकट्ठा करके फर्स्ट फोलियो के नाम से पब्लिश किया था, ठीक है, और जो कि 1623 में पब्लिश हुआ था। तो ये तीन चार डिटेल्स हैं जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? सो फर्स्ट फोलियो के अकॉर्डिंग तो 36 प्लेज हैं, वैसे माना जाता है कि शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे थे। वट हैपन टू द ग्लोब थिएटर इन 1613? 1613 में ग्लोब थिएटर जो है उसको आग लगी थी, इट बर्नड डाउन, एक प्लेयर की गलती से वो जला था। हाउ इज सैम वानामेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर? अब सैम वानामेकर कौन है? अब ये ग्लोब थिएटर से रिलेट करते हैं हम इनको। जब ग्लोब थिएटर जल गया था उसके बाद दोबारा भी बन गया, तो मॉडर्न टाइम में 1997 में फिर से ग्लोब थिएटर को बिल्ड किया गया। वो किसने किया? वो इन्होंने किया, सैम वानामेकर ने। सो इट वॉज हिज विजन टू रीबिल्ड द ग्लोब थिएटर। ये चाहते थे कि ग्लोब थिएटर को दोबारा से बनाया जाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़े लेजेंड ड्रामेटिस्ट की क्रिएशन है, उनके नाम से इसको दोबारा से बनाया जाए। तो इन्होंने 30 ईयर्स काम किया। हम ये कह सकते हैं कि 1971 में इन्होंने सोचना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू शुरू की, परमिशंस लेनी शुरू की, फंड्स कलेक्ट किए, रिसर्च की कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और 30 ईयर्स की मेहनत के बाद जो है ग्लोब थिएटर को रीबिल्ड किया गया। सो इसीलिए ये इंसान इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस सीरीज में मैंने रखा है, क्योंकि रिसेंट घटना है, इसके बारे में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स डिड शेक्सपियर एक्चुअली इन्वेंट? देखो ये कोई एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है कि भाई एक्चुअल में उसने एग्जैक्ट इतने वर्ड्स इन्वेंट किए। सो 1700 के आसपास तो माना जाता है कि इनिशियल फेज में उन्होंने नए वर्ड्स इन्वेंट किए थे जो शेक्सपियर के प्लेज में नए मिले, उससे पहले नहीं थे। बट एक्चुअल में उन्होंने 3000 के अराउंड वर्ड्स जो हैं नए इस दुनिया को दिए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली नंबर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो इनमें से कुछ भी आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि अराउंड 300, 3000, 3000 से थोड़ा बहुत ऊपर आ गया, थोड़ा नीचे आ गया तो हम उसको क्लिक कर देंगे। When did Shakespeare write his plays? कौन सी सेंचुरी में वो लिख रहे थे? तो वो लिख रहे थे 16th एंड 17th सेंचुरी में, बेसिकली एलिजाबेथन एज के टाइम पे वो लिख रहे थे। तो 1600 के थोड़ा पहले वाले सालों में वो लिख रहे थे और 1600 के बाद वाले, तो इसीलिए 16th एंड 17th सेंचुरी। वैसे तो शेक्सपियर की लाइफ स्पैन कोई बहुत लंबी लाइफ स्पैन नहीं है, बट एक सेंचुरी के एंड में और एक सेंचुरी के शुरू में इन्होंने अपने प्लेज लिखे हैं। वीनस एंड एडोनिस वॉज रिटन इन स्टेंजाज ऑफ? सो वीनस एंड एडोनिस एक लॉन्ग पोयम है जिसके बारे में थोड़ी डिटेल्स मैं ऑलरेडी आपको शेक्सपियर वाली वीडियो में दे चुकी हूँ। थोड़ी थोड़ी डिटेल्स मैंने हर वर्क की आपको उसमें देने की कोशिश की है जो इम्पोर्टेंट है। सो वीनस एंड एडोनिस जो है वो 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है, जिसको आज के टाइम पे वीनस एंड एडोनिस स्टेंजा के नाम से भी जाना जाता है। तो 6 लाइन्स का एक स्टेंजा है इस तरह से, 199 स्टेंजा की लॉन्ग पोयम है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 1100 एंड अबव, 1194 के अराउंड लाइन्स इन्होंने वीनस एंड एडोनिस में लिखी हैं। और वीनस एक गॉडेस है, एडोनिस एक हंटर है, ये कहानी मैं ऑलरेडी आपको सुना चुकी हूँ। पिछला वीडियो जरूर देखना शेक्सपियर वाला, उससे आपको शेक्सपियर की सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं मिल जाएंगी, जो उसमें रह गई हैं मैंने इसमें कवर की हैं।
Which of the following plays is not known to have been based on any existing literary and historical work? अब ये क्या मतलब हुआ? कौन सा ऐसा प्ले है जो किसी लिटरेरी और हिस्टोरिकल वर्क से इमिटेट करके शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? सो जनरली आप देखोगे जितने भी प्लेज हैं वो या तो राजाओं के ऊपर है, ठीक है, या फिर मोस्टली राजाओं के ऊपर है, चाहे हम ट्रेजेडीज देखें, हिस्टोरिकल प्लेज देखें, तो उनका जो सोर्स है वो कोई ना कोई हिस्टोरिकल वर्क है या कोई लिटरी वर्क है, जैसे प्लूटार्क को उन्होंने कॉपी किया है, या बहुत सारे हिस्टोरियंस को उन्होंने देखा है, या पुरानी कहानियों में से उन्होंने कहानियां निकाली है, बट एक ऐसा प्ले है जो किसी भी लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल वर्क से नहीं लिया गया है, उसकी कहानी नहीं ली गई है, तो वो है द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट कैसे लिखा था, शेक्सपियर को कहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी? जब भी कोई ऑथर कुछ लिखता है उसको कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन तो चाहिए होती है, या उसने कुछ पढ़ा है या उसने कुछ देखा है। सो एलिजाबेथन एज के टाइम पे 1609 में एक शिपरेक हो रहा था, मतलब शिपरेक हो गया था, एक शिप जो है वो डूब गया था, उसी की बात को सुनकर ये कहानी उनके दिमाग में आई एंड उन्होंने द टेम्पेस्ट लिखा। द फर्स्ट नोटिस ऑफ शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट अकर्स इन डैशेस पैम्फलेट अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट 1592। अब देखो इस क्वेश्चन को अलग तरह से भी पूछा जा सकता है, ए ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट किसका पैम्फलेट है या किसका ऐसे है? सो ये है रॉबर्ट ग्रीन का। रॉबर्ट ग्रीन के इस ऐसे की वजह से ही हमें ये प्रूफ मिलता है कि शेक्सपियर जो है वो एक रिनाउंड ड्रामेटिस्ट उस टाइम पर थे। Who edited How to Do Things with Shakespeare, New Approaches, New Essays? ये जो वर्क है ये एक मॉडर्न वर्क है, ये किसने लिखा है ये हमें पता होना चाहिए। 2008 में इसको लिखा था लॉरी मोगरी ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर इन द टेमिंग ऑफ द श्रू हु ट्राइज टू वू एंड मैरी बियांका? सो टेमिंग एंड ऑफ द श्रू आपने पढ़ ली होगी, प्ले विद इन द प्ले कहानी है ये। प्ले विद इन द प्ले क्या होता है कि एक प्ले चल रहा है उसके अंदर भी एक प्ले, यानी कि हम जो प्ले पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी एक प्ले हो रहा है। सो द टेमिंग ऑफ द श्रू, श्रू क्या होती है, झगड़ालू स्त्री, टेमिंग मतलब उसको कंट्रोल करना, ठीक है। सो उसमें बियांका जो है वो एक लीड हीरोइन है, उसको कौन कौन वू यानी कि उससे कौन कौन हम ये कह सकते हैं देशी भाषा में उसको पटाने की कौन कोशिश कर रहा था या उसके साथ शादी कौन करना चाहता था। सो अगर हम इन चारों ऑप्शंस में देखें तो ग्रामियो विल बी द आंसर। ग्रामियो जो है वो बियांका को वू करने की कोशिश कर रहा था, बट इसके अलावा दो लोग और हैं, एक जिससे उसकी शादी होती है लुसेंटियो एंड एक और है होटेंसियो, ठीक है। होटेंसियो एंड लुसेंटियो अगर इसमें होंगे तो वो भी हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बट वो इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिए हैं, तो ग्रैमियो। सो तीनों लोग हैं जो बियांका के साथ शादी करना चाहते थे एंड उन्होंने बहुत सारे पापड़ बेले कि किसी तरह से बियांका से उनकी शादी हो जाए, बट लास्ट में जो शादी होती है अपना मेन हीरो है वो है लुसेंटियो। इन जूलियस सीजर व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्स्पिरेटर हु कन्विंसेस सीजर टू अटेंड द सीनेट ऑन द आइडस ऑफ मार्च? आइडस क्या होता है? आइडस होता है मिडल, यानी कि 15th, किसी भी महीने का मिड जो होता है उसको आइडस कहते हैं रोमन लैंग्वेज में, या इंग्लिश वर्ड भी है अब तो ये। सो आइडस ऑफ मार्च यानी कि मिडल ऑफ मार्च में, यानी 15th मार्च को किसने जूलियस सीजर नाम के प्ले में सीजर को कन्विंस किया था, किस कॉन्स्पिरेटर? कॉन्स्पिरेटर कौन होता है? जो प्लानिंग करे, किसी के खिलाफ कोई प्लानिंग करे। सो अगर आपने जूलियस सीजर पढ़ा है तो सीजर को मारने के लिए कुछ लोगों ने प्लानिंग की थी एंड उसको एक उसमें सिनेट अटेंड करने के लिए कन्विंस किया था ताकि वहां पे उसका मर्डर किया जाए, ठीक है। सो किसने कन्विंस किया था ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। सो ये जो है ब्रूटस ने जो है कन्विंस किया था। ब्रूटस जो है वो अच्छे फ्रेंड थे सीजर के एंड सीजर को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था कि ब्रूटस भी इसमें इन्वॉल्व है। जब लास्ट में ब्रूटस ने भी सीजर के ऊपर अटैक किया, चाकू मारा, सो सीजर की जो लास्ट वर्ड्स होते हैं वो कहता है एट टू ब्रूट, यानी कि तुम भी ब्रूटस, तुम भी इनके साथ मिले हुए हो। सो उसको यकीन नहीं हुआ था कि वो उनको बहुत अच्छा दोस्त मानते थे। हु इज साइकोरस इन द प्ले टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कहानी, बहुत ही मजेदार सी कहानी है। सो टेम्पेस्ट जो है उसमें साइकोरस कौन है? साइकोरस जो है वो मदर ऑफ कैलिबन है। मदर ऑफ कैलिबन, कैलिबन कौन है? एक तरह से गुलाम है जो इसमें मेन हीरो है।
उसका, ठीक है। सो जो कैलिबन है प्रोटियस का गुलाम है, उसके अलावा एरियल स्पिरिट, ये दोनों भी प्रोटियस के लिए काम करते हैं। और जो कैलिबन है उसकी मदर जो है वो है साइकोरस, जो कि एक विच है, ठीक है, एक चुड़ैल है। कैसियस पोटिया एंड ऑक्टेवियस आर द कैरेक्टर्स इन जूलियस, किस में है ये, कौन से प्ले में हमें ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ये जूलियस सीजर में ही देखने को मिलते हैं। ए विल बी द आंसर। सो पोर्शिया भी उसमें है, ऑक्टेवियस जो है जो जूलियस सीजर का आगे एयर बनता है यानी कि उत्तराधिकारी बनता है, एंड बाकी कैसियस है जो मेन कॉन्स्पिरेटर है जिसने मर्डर प्लान किया था और बाकी लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व किया था। मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स पोस्ट 1599 प्लेज वर स्टेज्ड एट, 1599 के बाद शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो कहाँ पर प्ले किए जा रहे थे, द ग्लोब थिएटर में किए जा रहे थे। अब इन्होंने खुद अपना थिएटर बना लिया था तो इनको ये सोचना नहीं पड़ता था, इनकी अपनी कंपनी है, अपना प्ले है, मतलब अपना थिएटर है, तो ये यहाँ पर अपना प्लेस करते थे। वट डज शाइलॉक डिमांड दैट एंटोनियो प्लेज एज बोन्ड फॉर द लोन। सो ये भी बहुत अच्छी सी कहानी है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ये क्वेश्चन है। शाइलोक जो है वो एंटोनियो को एक कर्जा देता है, ठीक है, लोन देता है, एंड वो बोन्ड साइन कराता है कि अगर तुमने टाइम से कर्जा नहीं दिया तो ए पाउंड ऑफ फ्लैश यानी कि तुम्हारे शरीर से मैं 1 पाउंड मांस ले लूंगा, ठीक है, तुम्हें काट के तुम्हारा मांस ले लूंगा। तो ये एंटोनियो ने साइन किया था क्योंकि उसे पूरा विश्वास था एंटोनियो को कि वो उसका पैसा चुका देगा, बट वो क्यों नहीं चुका पाता, चुका नहीं पाता, मैं स्टोरी बता रही हूँ अगर आपने नहीं पढ़ी है, क्योंकि उसके जो दो शिप हैं वो शिपरेक को जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से एट दैट मोमेंट उसके पास पैसे नहीं होते हैं। एंड फिर आगे क्या होता है, आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। हाउ डू मोस्ट क्रिटिक्स डिस्क्राइब शाइलोक, शाइलोक कैसा बंदा है, किस तरह का इंसान है, कैसे क्रिटिक्स ने या जब हम स्टोरी देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है ए ब्लड थर्स्टी बोगी मैन, ठीक है। बोगी मैन क्या होता है, जैसे हम बच्चों को कह देते हैं ना देख बाबा है वहाँ, भूत है, जब हम कोई नकली की इमेज बनाते हैं किसी बच्चे को डराने के लिए उसको बोगी मैन कहते हैं। सो वो एक ब्लड थर्स्टी, क्योंकि वो जो है एंटोनियो से उसका मांस का टुकड़ा मांगता है, जब वो पैसे नहीं दे पाता वो कहता है कि मैं तो तुम्हें काट के तुम्हारा मांस लूंगा, इसलिए वो ब्लड थर्स्टी है कि पैसे के लिए वो एक इंसान की जान तक लेने के लिए तैयार है। द कॉम्पोजिशन ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज हैमलेट ओथेलो किंग लियर एंड मैकबेथ वर अकर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम, कौन से पीरियड में ये सारे प्लेज लिखे गए थे। सो ये प्लेज लिखे गए थे 1600 एंड 1606 के बीच में, इनकी एग्जैक्ट डेट्स भी देख लेना। एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज असेंशियली अ टेल ऑफ सफरिंग एंड कैलामिटी कंडक्टिंग टू डेथ, ये जो लाइन्स हैं ये किसने कही थी, ए सी ब्रैडले ने कही थी। ए सी ब्रैडले ने शेक्सपियर की ट्रेजेडीज के ऊपर काम किया है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। द ग्रेव डिगर सीन इन हैमलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेव डिगर सीन जो है वो क्या है, ग्रेव डिगर सीन में ये लोग बात कर रहे होते हैं। सो ग्रेव डिगर जो सीन है वो एक कॉमिक रिलीफ है। कॉमिक रिलीफ होता क्या है, कॉमिक रिलीफ एक ऐसा इंसिडेंस होता है किसी भी ट्रेजेडी में जहाँ पर एक ह्यूमरस सीन, कॉमिक सीन होता है जो कि ये इंडिकेट करता है कि इससे पहले जो है बहुत ट्रेजेडी, बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि ट्रेजिक और सीरियस सीन्स थे, एंड इसके बाद भी ट्रेजिक एंड सीरियस सीन होंगे, तो बीच में एक छोटा सा कोई कॉमिक पार्ट आ जाए उसको कॉमिक रिलीफ कहते हैं। सो जो ग्रेव डिगर सीन है हैमलेट में जिसमें कि ग्रेव बना रहे होते हैं वो, तो वो एक कॉमिक रिलीफ है। मेजर फॉर मेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियर्स, मेजर फॉर मेजर क्या है, मेजर फॉर मेजर है डार्क कॉमेडी, डी विल बी द आंसर। अब डार्क कॉमेडी क्या होती है, डार्क कॉमेडी हमें पता होनी चाहिए जिसमें कि एक ऐसी कहानी दिखाई जाए कि किसी का पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम्स या फिर सोशल प्रॉब्लम्स को दिखाया जाए जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी इकट्ठे हों, और एक सटायर हो। सटायर मैंने आपको पहले बताया था, सटायर क्या होता है, जब हम किसी के ऊपर कटाक्ष तंज कसते हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स जिसमें हो वो डार्क कॉमेडी होती है। सो ये कोई रोमांटिक या जॉयस कॉमेडी नहीं है, रोमांटिक कॉमेडी भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, जॉयस कॉमेडी भी नहीं है, ड्रामेटिक रोमांस भी नहीं है, सो ये एक डार्क कॉमेडी है।
हु इज ओरसिनो इन लव विद एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले? ओरसिनो को किसके साथ जो है उसका रिलेशनशिप चल रहा होता है? उसका रिलेशनशिप चल रहा होता है ओलिविया के साथ. सो ओरसिनो जो है ड्यूक है एंड ओलिविया जो है वो उसको वू करने की कोशिश करता है, उसके साथ रिलेशन रखने की कोशिश करता है. बट ओलिविया जो है उसके ब्रदर की डेथ के कारण वो मॉर्न कर रही है, यानी कि दुख शोक में है वो, और 7 साल तक शादी नहीं करने का प्लेज उसने लिया है, जिसकी वजह से ओरसिनो बहुत परेशान है. वेयर डज 12th नाइट टेक प्लेस? 12th नाइट जो है इलीरिया नाम की जगह पर इसकी सेटिंग है. वट इज 12th नाइट्स ऑल्टरनेट टाइटल? अब ये क्वेश्चन तो भाई हर तरह के एग्जाम में आया है, TJT, PGT, KVS, नेट, सेट, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है. वट यू विल इज द सब टाइटल ऑफ 12th नाइट? अलॉन्ग विद एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12th नाइट इज रेफर टू एज वन ऑफ शेक्सपियर सो कॉल्ड डैश प्लेज. कौन से प्लेज इनको कहा जाता है? इनको कहा जाता है ट्रांसवेस्टाइट. ट्रांसवेस्टाइट, ट्रांसवेस्टाइट क्या होता है? ट्रांसवेस्टाइट होता है जहाँ पर डिसगाइजिंग हो, यानी कि लोग रूप बदले, लड़का लड़की का रूप ले ले, लड़की लड़के का रूप ले ले, है ना. जैसे कि 12th नाइट में जो है जो जो जुड़वा भाई बहन है वो कैसे मिलते हैं, कैसे जो वायला है वो अपना डिसगाइज करती है एक लड़के की तरह, है ना. तो ये सारे प्लेज में हमें डिसगाइज दिखाई देते. हु इज ट्राइंग टू कोट ओलिविया एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले? बिगनिंग ऑफ द प्ले में कौन लोग जो है ओलिविया के साथ रिलेशनशिप में है ना. कोट मतलब यहाँ पर वो कोट नहीं है जो जजमेंट वाली कोट होते हैं, कोर्टशिप मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप वाली बात है. सो ओलिविया के साथ और सीनो एंड सर एंड्रियो ऑक्चिक जो है ये रिलेशन रखना चाह रहे थे, ये उसे कन्विंस करना चाह रहे थे लव रिलेशनशिप के लिए. एंड सर एंड्रयू ऑक्चिक क्या है? वो एक फुलिश नाइट है, ठीक है, एक योद्धा है बट फुलिश है. और सर टोबी जो है वो उनका पागल बनाते हैं. वो सर एंड्रयू को ये लगता है कि जो मिस्टर टॉबी हैं, अंकल टॉबी कह लो या सर टॉबी कह लो, वो उनकी हेल्प कर रहे हैं ओलिविया के साथ उनकी दोस्ती बढ़ाने की. बट ऐसा कुछ नहीं है, जो अंकल टॉबी हैं वो एंड्रयू का पागल बना रहे हैं, उसे पैसे ऐंठ रहे हैं. एंड ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि वो ओलिविया को उसके लिए कन्विंस कर रहे हैं. एंड ओरसिनो का तो स्टार्टिंग से ही होता है कि वो ओलिविया के साथ शादी करना चाहता है, बट ओलिविया जो है वो अपने ब्रदर के गम में बैठी है. द टेम्पेस्ट इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, प्रोबेबली रिटन इन कौन से साल में जो है ये लिखा गया था? अब ये लास्ट का प्ले है, मैंने आपको बताया था, और 1616 में ऑथर की डेथ हो गई थी. तो अगर हमें एग्जैक्ट भी नहीं पता हो तो हमें यहाँ पर एक तुक्का लगाने में कोई हर्ज नहीं है. सो 1610 से 11 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लिखा गया था. तो कभी कभी क्या होता है ना, हमें नहीं क्वेश्चन आते हुए भी अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से समझें और अगर हमें थोड़ी भी डिटेल पता, जैसे मैंने आपको बताया 36 नंबर पर टेम्पेस्ट को रखा गया है फर्स्ट फोलियो में. सो जब वो लास्ट का है तो उसने लास्ट में हो सकता है लिखा हो, तो हम एक तुक्का मार सकते हैं. 1610 एंड 11. फ्रॉम विच कंट्री इज अलोंजो शिप रिटर्निंग व्हेन इट इज कॉट इन द टेम्पेस्ट? सो अलोंजो का जो शिप है जब वो तूफान में, टेम्पेस्ट क्या है यहाँ पर, बड़ी सी एक स्टॉर्म है ना, बवंडर में जब फंस जाता है वो कहाँ से आ रहा होता है? सो अलोंजो का जो शिप है वो ट्यूनिस नाम की एक जगह से आ रहा होता है. जो अलोंजो है वो किंग ऑफ नेपल्स हैं एंड वो लोग इटली वाली साइड से आ रहे होते हैं. ट्यूनीसिया भी कह सकते हैं उसको, ट्यूनिस भी कह सकते हैं, दोनों नाम हैं. और अपनी बेटी की शादी करके वो आ रहा होता है और रास्ते में मेडिटेरियन आइलैंड के आसपास उसके जो शिप है वो स्टॉर्म में फंस जाती है ना. ओवर हाउ मेनी डेज डज द एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस? सो ये एक दिन की कहानी है. यूनिटी ऑफ टाइम को इसमें शेक्सपियर ने फॉलो किया है. यूनिटी ऑफ टाइम क्या है, मैंने आपको 3 यूनिटीज बताई थी, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन. जनरली जो है शेक्सपियर ने या बहुत सारे ऑथर्स ने यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो नहीं किया है, बट टेम्पेस्ट में यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो किया, जिसमें कि जो प्ले है वो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग 24 आवर्स की कहानी आपकी होनी चाहिए. सो ये 1 डे की कहानी है. वट डू वी सी
मिरांडा एंड व्हाट डू वी सी मिरांडा एंड फर्डिनांड डूइंग इन द प्लेज फाइनल सीन. सो मिरांडा एंड फर्डिनांड हमें कहाँ पे मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं टेम्पेस्ट में. तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये चेस खेल रहे होते हैं लास्ट में. व्हाट शेप डज एरियल अज्यूम एट द मैजिकल बैंक्वेट इन Act 3 Scene 3. सो वो जो है एक हार्पी, हार्पी क्या होता है, एक बर्ड होता है. हार्पी एक बर्ड का फॉर्म लेता है एंड जो खाना खा रहे होते हैं लोग डाइनिंग टेबल, वहां पर जाके वो उन लोगों को डराता है कि जो तुमने मेरे मालिक के साथ, खैर मेरे मालिक के साथ नहीं कहता, कि जो तुमने गलत काम किए हैं उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, है ना. सो उनको डराने की कोशिश करता है हार्पी के रूप. वट डज प्रोस्पेरो गिव एज हिज रीजन फॉर ट्रीटिंग कैलिबन बैडली. कैलिबन जो है वो उसी का एक गुलाम है और उसके साथ वो उसको सजा देता है, उसके साथ बैड बिहेव करता है. तो उसके पीछे जो है प्रोस्पेरो ने क्या रीजन दिया था. प्रोस्पेरो का जो गुलाम है वो एरियल भी है एंड एरियल उसी के लिए उन लोगों को डाइनिंग टेबल पर डराने जाता है हार्पी बन के. सो वो कहता है कि क्योंकि ये अनग्रेटफुल है, मैंने इसको इतनी चीज़ें सिखाई, बोलना सिखाया, फिर भी ये जो है उन चीज़ों के लिए अनग्रेटफुल है कैलिबन, एंड ये गलत काम करता है, अपनी पावर्स का गलत यूज़ करता है, इसीलिए वो उसको पनिश करता है, इस उसके साथ बैड बिहेव करता है. वट डज कैलिबन से इन इज हिज चीफ प्रॉफिट फ्रॉम लर्निंग लैंग्वेज. कैलिबन को जब बोलना नहीं आता था और जब उसने बोलना सीख लिया, उसके लिए उसका क्या चीफ प्रॉफिट उसको मिला, जब उसको लैंग्वेज आ गई, इसको ये पता चल गया कि किसी को कर्स कैसे करते हैं, किसी को श्राप कैसे देते हैं, क्योंकि बिना बोले आप श्राप नहीं दे सकते. सो श्राप कैसे देना है ये वो सीख जाता है. वट इज द फाइनल टास्क प्रोस्पेरो ऑर्डर्स एरियल टू परफॉर्म. सो कैलिबन बेशक प्रोस्पेरो का गुलाम है बट वो उसके हिसाब से काम नहीं करता, वो उतना ट्रूथफुल नहीं है. बट जो एरियल है, प्रोस्पेरो एरियल को जब आज़ाद भी कर देता है तब भी एरियल प्रोस्पेरो की बात सुनता है, उसके बेनिफिट के लिए काम करता है. सो प्रोस्पेरो लास्ट में एरियल को क्या काम देता है, वो कहता है कि टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली. जब प्रोस्पेरो अपने भाई को और राजा को माफ कर देता है, हर किसी की गलती माफ कर देता है, तो फिर वो उनके शिप को, हमने देखा था अलोंजो का शिप जो है वो स्टॉर्म में फंस के उस आइलैंड पे आ जाता है, तो वो सबको माफ करके एरियल को कहता है कि अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि आराम से इनका शिप जो है वो इटली पहुंच जाए, इनको रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, कोई तूफान ना मिले, कोई प्रॉब्लम ना आए. हाउ डज एंटोनियो प्लान टू रिस्पॉन्ड टू शाइलॉक्स इन इंसिस्टेंस टू कलेक्ट हिज पाउंड ऑफ फ्लैश. सो एंटोनियो कहता है कि जब मेरा वो मांस ले रहा होगा या जब वो मेरे से दुश्मनी या मेरे साथ वायलेंस कर रहा होगा, मैं शांत रहूंगा, ठीक है. सो इसका आंसर आएगा विद क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट. वो कहता है कि मैं क्वाइट रहूंगा, मेरी स्पिरिट का काम रहेगी मुझे, क्योंकि मैंने उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, मुझे करना ही पड़ेगा. तो वो शाइलोक की तरह बुरा इंसान नहीं है. वट डज बेजानियो ऑफर शाइलोक टू परसुएड हिम टू फोरफिट हिज बोन. अब देखो जो एंटोनियो है उसने बुसानियो के लिए ये कर्ज लिया था. एंटोनियो तो खुद एक शाहू साहूकार है, वो खुद लोगों को पैसे देता है, बट उस टाइम पे एंटोनियो के पास नहीं होते एंड बुसानियो उससे मांग लेता है. सो बुसानियो को पैसे मिल जाएं क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड को वू करना होता है, उसको एक लड़की के साथ शादी करनी होती है, उस चक्कर में उसको पैसे चाहिए क्योंकि उसको अपनी इमेज सुधारनी है उस पैसे के थ्रू, अपने आप को ग्रैंड दिखाना है. सो बसानियो के लिए एंटोनियो पैसे लेता है और जब वो पैसे नहीं लुटा सकता तो शाइलोक कहता है कि मैं तो तुम्हारा मांस लूंगा. तो बसानियो कहता है कि तुम मांस मत लो, मैं तुम्हें 3 गुना, नहीं सॉरी, डबल द अमाउंट जो तुमने दिए हैं वो तुम्हें देने को तैयार हूँ. तुमने जितने पैसे दिए हैं उसका डबल अमाउंट मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, तो तुम उसको छोड़ दो एंटोनियो को, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है. तुमने 3,000 डकेट्स दिए थे, मैं तुम्हें 6,000 डकेट्स दूंगा. बट शाइलोक नहीं मानता. सो ये आंसर रहेगा कि कितने पैसे वो ऑफर करता है, वो 6,000 डकेट्स उसको ऑफर करता है बट शाइलोक नहीं मानता. वट डज शाइलोक डू इन एंटिसिपेशन ऑफ द जजमेंट.
अब ये क्या है, अब जजमेंट का दिन आता है। शालोक जो है अपील करता है कोर्ट से कि एंटोनियो ने मेरे पैसे नहीं दिए तो उसको सजा दी जाए और उसका मांस काटा जाए। सो जब उसको केस जो है वो होता है कोर्ट में, तो जो राजा है वो कहता है कि यार शालोक तुम इतने भी बुरे इंसान मत बनो कि तुम किसी की जान ले लो। तब वो क्या करता है, वेट्स हिज नाइफ, अपने नाइफ को और ज्यादा तेज करता है। उसको लगता है कि अब तो जजमेंट जो है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो मैं जो है अपने चाकू को तेज कर लूं ताकि मैं अपना बदला ले सकूं, मैं उससे मांस काट के ले सकूं। वट इज द नेम गिवन टू द पर्सन हु कम्स टू जज एंटोनियोज ट्रायल? सो एंटोनियो का ट्रायल चलता है कोर्ट में, तो उसको बचाने के लिए, उसके जजमेंट को ठीक करवाने के लिए कौन आता है? उसको ठीक कराने के लिए बेल्थाजर आता है। बेल्थाजर कौन है, ये कहानी के साथ मैं थोड़ा आपको लिंक कर देती हूँ। जब केस चल रहा है तो जो ड्यूक है वो बुलाता है डॉक्टर बिलारियो को। डॉक्टर बिलारियो कौन है, एक लॉयर है। डॉक्टर बिलारियो को बुलाया जाता है, बट डॉक्टर बिलारियो ने एक चिट्ठी लिखी होती है और उन्होंने पोर्शिया नाम की एक लड़की को बेल्थाजर बना के, एक वकील बना के भेजा होता है। वो कहते हैं कि आई एम अनवेल। उस चिट्ठी में बिलारियो कहते हैं कि मैं अनवेल हूँ और मैं अपने एक असिस्टेंट को भेज रहा हूँ। सो वो डिस्गाइज करके, एक मेल का डिस्गाइज करके आती है पोर्शिया, एंड वो बल्थाजर बन के उसका केस लड़ती है एंड वो उस केस को जितवाती है। कैसे जितवाएगी अगले क्वेश्चन में देखेंगे। हु और वट इज बसानियोज रेफरिंग टू इन द फॉलोइंग लाइन्स? दाउ पेल एंड कॉमन ड्रज ट्वीन मैन एंड मैन। सो ये किसके लिए कहा गया है, ये कहा गया है सिल्वर कैस्केट के लिए। तो अब बसानियो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बसानियो कैसा कैरेक्टर है? बसानियो एक कैरेक्टर है जो ओवर स्पेंड करने में बिलीव करता है, और इन लाइन्स के थ्रू वो क्या कह रहा है कि पैसा जो है वो हाथ की मैल है, सिल्वर जो है वो एक कॉमन मेटल है, उसके सिक्के मिलते हैं, और ये क्या करता है बहुत पैसा स्पेंड करता है, मतलब फिजूल खर्ची करता है, और अपने आप को रिस्पेक्टेबल दिखाने के लिए ये पैसा खर्च करता है। वट डज पोर्शिया डिस्गाइज एज अ लॉयर से दैट शाइलोक मस्ट नॉट डू व्हेन ही कट ऑफ ए पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश? सो कैसे पोर्शिया बचाती है? पोर्शिया डिस्गाइज करके आई है बेल्थाजर के रूप में। वो कहती है कि ठीक है तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं, तुम्हें 1 पाउंड मांस इसका लेना है, तुम ले लो, बट तुम एक भी ड्रॉप ब्लड की इसकी नहीं गिरा सकते। जब तुम उस मांस के टुकड़े को, फ्लैश के टुकड़े को लोगे, तब तुम एक भी ड्रॉप ब्लड की नहीं निकाल सकते, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर आप इफ यू आर कटिंग द पीसेज ऑफ योर बॉडी, आपका ब्लड तो निकलेगा ही। सो ये इसका मिड गेम था, लूप होल था, जिसकी वजह से इसने एंटोनियो को बचा लिया। शाइलोक डिसलाइक्स एंटोनियो इंटेंसली बिकॉज शाइलोक ऐसा क्यों कर रहा था कि उसको डबल पैसे मिल रहे हैं पर फिर भी वो जो है मान नहीं रहा था, क्योंकि जो एंटोनियो है वो भी पैसे जो है लोन पे देता था एंड वो किसी से भी ब्याज नहीं लेता था, जिसकी वजह से शाइलोक जो है उसका धंधा चौपट हो रहा था, उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। एंड पब्लिकली एंटोनियो ने ये कंडेम कर दिया था कि तुम जो है बहुत एक्सेस में इंटरेस्ट लेते हो, तो शाइलोक को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से उसने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया एंटोनियो के साथ, तो उसने बोला कि ठीक है मैं तुमसे कोई ब्याज नहीं लूंगा, बट अगर तुमने मेरा पैसा टाइमली पे नहीं किया तो फिर तुम्हें अपना जो है वो देना पड़ेगा, फ्लैश देना पड़ेगा। वट डज पोर्शिया डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर वॉन्ट एज रिमेम्बरेंस फॉर हर लीगल सर्विसेज? पोर्शिया ने बदले में क्या मांगा? तो उसने एक रिंग मांगी, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि उसने क्रिंग मांगी। ये क्वेश्चन जो है बदल बदल के घुमा फिरा के आपको मिल सकता है। व्हेन एंटोनियो बोरोज द मनी फ्रॉम शाइलोक व्हाट आर द मनी लेंडर्स टर्म्स? सो ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ए पाउंड ऑफ बसानियो, नहीं ये नहीं मांगा था उसने, उसने क्या मांगा था, उसने उसने ये कहा था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, बट अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश इफ द रीपेमेंट इज लेट। हु सेज द फॉलोइंग बाय योंडर मून आई स्वियर यू डू मी रॉन्ग? सो ये जो है ग्रेटियानो ने कहा है। अब ग्रेटियानो कौन है? ग्रेटियानो एंटोनियो एंड बसानियो का फ्रेंड है। सो जब बसानियो जो है पोर्शिया को वू कर रहा था, उसी दौरान उसको नैरिसा नाम की एक लड़की मिलती है। दोनों जो हैं, दोनों का आपस में प्यार हो जाता है एंड दोनों शादी कर लेते हैं। सो जब पोर्शिया
पोर्शिया रिंग मांगती है अपनी जो उसने बचाया था एंटोनियो को उसके बदले में। उस टाइम पे ग्रेटेनो जो है ये लाइंस बोलता है, रिंग के कारण ये सारी इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। द मेन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन द रोमन एम्पायर एट द टाइम ऑफ जूलियस सीजर वॉज बिटवीन व्हाट टू ग्रुप्स, कौन से दो ग्रुप्स में जो है कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, कन्फ्लिक्ट चल रहा था इंटरनल। सो मिलिट्री लीडर्स एंड सीनेटर्स के बीच में जो है दिक्कत चल रही थी, जिसके चलते जो है हमारे हीरो जूलियस सीजर का मर्डर हो जाता है। मतलब उसको मारने का प्लान किया जाता है क्योंकि वो मिलिट्री का लीडर होता है और उसकी लड़ाई चल रही होता है सीनेटर्स के बीच में, ठीक है। और जूलियस सीजर है वो एक सोल्जर भी है, एक जनरल भी है, और वो एक सिविल वॉर स्टार्ट करता है क्योंकि वो चाहता है कि सीनेटर्स की मर्जी ना चले। एंड उसको मारा क्यों जाता है, ये सीनेटर्स ही मिलके इसको मार देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जूलियस सीजर के हाथ में पूरा सपोर्ट है, पूरी पब्लिक उसको पसंद करती है, एंड उसकी पावर जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उस पावर को रोकने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, बट जब वो नहीं सक्सेसफुल हुए तो उन्होंने सोचा कि जूलियस सीजर को ही मार दिया जाए। शेक्सपियर सीम्स टू हैव बेस्ड हिज प्लेज ऑन अ बायोग्राफी ऑफ जूलियस सीजर प्रोवाइडेड बाय विच एंशियंट हिस्टोरियन, जूलियस सीजर की कहानी उन्होंने कौन से एंशियंट हिस्टोरियन की दी हुई कहानी से रिलेट करके लिखी है, वो है प्लूटार्क। प्लूटार्क एक बहुत फेमस हिस्टोरियन है जिससे शेक्सपियर ने काफी प्लेज की स्टोरीज ली है। सो ये नाम आपको याद रखना है, अगर घुमा के क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरह से जूलियस सीजर की जगह वो डायरेक्ट भी पूछ लेंगे कौन से हिस्टोरियन है जिससे बेस बनाते हैं शेक्सपियर अपनी स्टोरीज का, जहाँ से बेस कहानी लेते हैं, तो वो है प्लूटार्क। मेनली ये जो कहानी है ये ली गई है द लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रीक्स एंड रोमन से, जिसको सर नॉर्थ थॉमस नॉर्थ नाम के एक बंदे ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जिसको पढ़ के शेक्सपियर ने जूलियस सीजर की कहानी ली एंड ये प्ले लिखा। Why does Cassius leave before Brutus begins addressing the crowd in the forum? So, जब ये लोग मर्डर करके आ जाते हैं जूलियस सीजर का, तो कैशियस एंड ब्रूटस जो हैं वो पब्लिक को, क्राउड को एड्रेस करते हैं। एंड ब्रूटस उसको कहता है कैशियस को, तुम एक काम करना, तुम एक अलग जगह जाके आधे लोगों को ले जाना जो तुम्हें सुनना चाहते हैं, जो मेरे फेवर के लोग होंगे वो मुझे सुनेंगे। सो कैशियस इसीलिए चला जाता है क्योंकि उसे कहीं और जाके आधे लोगों से बात करनी है। सो जो लोग कैशियस को फेवर करते थे वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं उसकी बात सुनने के लिए, जो लोग ब्रूटस को फेवर करते हैं ब्रूटस की बात सुनने के लिए रुक जाते हैं। इस तरह से बाद में ये लोग सफाइयाँ देते हैं कि भी हमने क्यों मारा है ना, और ये उस सफाई में ये दिखाते हैं कि जो जूलियस है, जूलियस सीजर है, वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा आपके मन में, बट वो जो है एक तरह से टायरेंट बन जाता अगर हम उसको नहीं रोकते, कल दिन वो गुलाम बना लेता आप सबको और वो सही नहीं होता कंट्री के लिए। हाउ डिड सीजर फिल रोम्स कॉफर्स अकॉर्डिंग टू एंटनीज ईयोलॉजी? ईयोलॉजी क्या होती है, जब डेथ किसी की डेथ के बाद जो स्पीच दी जाती है उसको ईयोलॉजी कहते हैं। सो जूलियस सीजर की डेथ के बाद एंटनी जो है वो स्पीच देता है क्योंकि उसने ही उसका क्रियाकर्म किया होता है, एंड वो एक स्पीच देता है जिसमें वो कहता है कि तुम्हें जो बोला गया है ना, जो ब्रूटस ने और कैशियो ने बोला कि हमने ये रीजन दिया है कि भाई वो एक तानाशाह बन जाता, तुम लोगों को खराब करता, वो कहता है कि वो दिन याद करो जब जो सीजर है उसने रोम के कॉफर्स को, कॉफर क्या होता है, खजाना, जो बॉक्स होता है जिसमें खजाना रखा रहता है, वो कैसे भरे थे, उसने भरे थे कलेक्टिंग रैमसम्स। तो वो क्या करता था, वो दूसरी कंट्री के लोग जो उन वहां हमला करते थे उनको पकड़ता था, बंदी बनाता था, एंड उनकी रिहाई के बदले उनसे पैसे लेता था और वो रोम के कॉफर्स में यानी कि खजाने में वो डाल देता था। वो कहता कि एंटनी उस योलॉजी में कहता है कि तुम वो दिन याद करो जब तुमने उसको गद्दी सौंपी थी, तुमने कहा था कि तुम राजा बन जाओ, बट उसने 3 बार उस गद्दी को ठुकराया क्योंकि वो लोगों की सेवा करना चाहता था, ना कि तुम्हारे लिए तानाशाह बनना चाहता था। सो ये एक स्पीच है लास्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। वेयर डज ऑक्टेवियस गो व्हेन ही रिटर्न्स टू रोम आफ्टर एंटनीज योलॉजी? सो एंटनी जब अपनी डेथ के बाद की लास्ट स्पीच देता है, उसके बाद एक तो ऑक्टेवियस कहाँ जाता है, ऑक्टेवियस जाता है एंटनी के घर पे जाता है, एंटनी के घर पे जाता है वो। सो एंटनी जो है वो
डायरेक्टली किसी को कुछ नहीं कहता, बट वो सारी बात अपनी स्पीच में समझा देता है, एंड वो ही जूलियस सीजर की विल पढ़ के लोगों को सुनाता है कि ओक्टेवियस जो है वो अब उसका उत्तराधिकारी रहेगा, है ना। उसके जो सारे काम हैं, उसकी जो सारी चीजें हैं, उसके ऊपर किसका हक रहेगा? ओक्टेवियस। ओक्टेवियस कौन है? वो एक नेफ्यू है, जो जूलियस सीजर का एक नेफ्यू है, एंड अपनी विल में ऑलरेडी जूलियस सीजर ने ओक्टेवियस के बारे में लिखा था मरने से पहले। इन हिज योलॉजी एंटनी कॉन्टिन्यूसली रेफर्स टू डैश एंड डैश एज ऑनरेबल मैन। किसको एंटनी ने ऑनरेबल मैन कहा है? अब इसमें कंफ्यूज मत होना। वैसे तो एंटनी जो है वो जूलियस सीजर के जो मर्डरर्स हैं उनके खिलाफ था, बट उसने अपनी स्पीच में हर जगह ये बोला कि जो ब्रूटस एंड कैशियस हैं वो ऑनरेबल मैन हैं। तो उसने अपनी स्पीच में सटायर रखी है कि इनडायरेक्ट तरीके से उसने ये भी बोल दिया कि ब्रूटस एंड कैशियस जो कि ऑनरेबल मैन, जिन्होंने ये बोला है कि जो जूलियस सीजर है वो एक तानाशाह बन जाता, बट वो तानाशाह कैसे बनता? वो सारी जो स्पीच है वो उसने इन लोगों को ऑनरेबल ऑनरेबल मैन कह कह के दी है। When Caesar and his group arrive at the Senate, who is worried that the assassination plot has been discovered? So ये जो main plot था ये बनाया था कैशियस ने, और कैशियस को ही ये डर लग रहा था कि कहीं ये जो प्लॉट उसने बनाया है ये रिवील ना हो जाए, एंड फिर उसका जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा होगा। बट ब्रूटस उसको कन्विंस करता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, हमारा जो पूरा प्लान है वो फुल प्रूफ है, जूलियस सीजर को कोई भी शक नहीं है। हु इज द फर्स्ट टू स्टैब सीजर? सीजर को सबसे पहले किसने मारा था? कैस्का ने मारा था। उसके बाद बारी बारी सबने सीजर को जो है चाकू मारा। ब्रूटस टेल एंटनी दैट देयर हर्ट्स आर फुल ऑफ डैश आफ्टर किलिंग सीजर। सो ब्रूटस एंटनी को कहता है कि हाँ हमने मारा है जूलियस सीजर को, एंड हमारा जो दिल है वो पिटी से भर गया है जूलियस सीजर के लिए, बट वो पिटी तब खत्म हो जाती है जब हम ये सोचते हैं कि इस पूरे देश का क्या होता अगर वो जिंदा होता। तो वो पिटी हमारे दिल से चली जाती है। पहले तो वो कहता है कि मुझे पिटी आ रही है, बट बाद में वो कहता है कि वो पिटी, वो एम्पथी, वो चली जाती है, वो दुख चला जाता है उसके लिए। वंस ही इज अलोन विद सीजर्स बॉडी, हाउ डज एंटनी से ही ट्रीटेड सीजर्स मर्डरर्स? सो जब वो उसकी डेड बॉडी के पास होता है तो वो क्या क्या बताता है कि मैंने कैसे ट्रीट किया उसके मर्डरर्स को? उसने जेंटली ट्रीट किया, उसने उनको ऑनरेबल ऑनरेबल बोल करके जेंटली उनसे बात करी, बट उसने उनका पूरा सच पब्लिक के सामने ला दिया। हु इज द किंग ऑफ सिसिलिया इन द विंटर्स टेल? विंटर्स टेल में सिसिलिया का राजा जो है वो कौन होता है? वो होता है लियोनेट्स। सो दो राजाओं की कहानी है, पॉली पॉलीजेनिक्स जो है ये दोनों फ्रेंड्स हैं, एंड जो लियोनेट्स हैं सिसिलिया का राजा, उसको अपने फ्रेंड जो कि बोहीमिया का राजा है उसकी लाइफ से बड़ी जालेसी हो जाती है। उसकी वाइफ का उसके साथ प्यार देख के उसको जालेसी हो जाती है, एंड ये उसके पूरे परिवार को तबाह करने का सोचता है। इसकी वाइफ का नाम क्या होता है पॉलीजेनिक्स की? इसकी वाइफ का नाम होता है हरमियोनी। हरमियोने के ऊपर ये इल्जाम लगा देता है कि ये जो है इसने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस हु बोरोज मनी फ्रॉम शाइलो? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम ऑलरेडी इसके बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं। 62 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कि शाइलोक से पैसे किसने लिए थे? एंटोनियो ने लिए थे, या बसानियो ने लिए थे, लोरेंजो ने लिए थे, या ग्रेटियानो ने लिए थे? लेट्स सी आपका आंसर कितना सही होता है। इन हेनरी फोर पार्ट वन हु इज द प्रिंस हु बिकम्स हेनरी फाइव? सो हेल नाम से ये प्रिंस है जो हेनरी फाइव बनता है। हेनरी फोर पार्ट वन में हेल एक बच्चा होता है, एक टीनेजर होता है जो बहुत शरारती है, जो कि प्लेजर सीकिंग में बिलीव करता है, इररिस्पॉन्सिबल है, जो क्रिमिनल्स की कंपनी को एंजॉय करता है, बट धीरे धीरे उसके अंदर एक मेच्योरिटी दिखाई है, एंड उस मेच्योरिटी के बाद उसको दिखाया है राजा बनते हुए, हेनरी फाइव। ठीक है, सो ये हिस्टोरिकल प्लेस में से क्वेश्चंस हैं। मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं क्योंकि जनरली इनमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस के क्वेश्चंस को ही मैंने कवर किया है।
हु इज द क्वीन इन रिचर्ड टू, हु इज डिपोज्ड बाय बॉलिंग ब्रोक। अब इसकी पूरे प्ले की कहानी मैं आपको दो तीन सेंटेंसेस में करा देती हूँ। वैसे इसका आंसर है इजाबेला। सो जो रिचर्ड टू है उनकी वाइफ है इजाबेला, एंड रिचर्ड टू इंग्लैंड के राजा हैं, बट उन्हीं के कजन बॉलिंग ब्रोक, हेनरी बॉलिंग ब्रोक जो है वो उनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं अपनी आर्मी को लेकर के, एंड वहाँ का राजा बन जाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जो रिचर्ड टू है वो एक सही राजा नहीं है, वो अपनी पर्सनल सोच से राज्य को चलाते हैं, जिसकी वजह से वो उनको बंदी बना लेता है, डिपोज कर देता है। डिपोज मतलब गद्दी से उतार देना, फोर्सफुली गद्दी से उतार देना, ठीक है। और उस टाइम पे रिचर्ड टू की वाइफ होती है इजाबला, ठीक है। सो वो उसको एक, जनरली क्या होता था पुराने टाइम पे, किसी किले में बंद कर देते थे राजा को, जनरली मारते नहीं थे उसको, किसी किले में या किसी महल में बंद कर देते थे। तो वो भी रिचर्ड टू को ऐसे ही बंद कर देते हैं। विच कैरेक्टर इन मैकबेथ सेज द फेमस लाइन आउट डैम्ड स्पोर्ट वाइल स्लीप वॉकिंग। अब देखो इसमें तो इसके क्वेश्चन में ही हमें आंसर मिल रहा है, स्लीप वॉकिंग कौन करता है? स्लीप वॉकिंग करती है लेडी मैकबेथ। सो लेडी मैकबेथ ने ही ये लाइंस कही हैं। बेसिकली इन लाइंस का मतलब क्या है, जब लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ को प्रवोक किया था राजा डंकन को मारने के लिए, तो उसके मन में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में गिल्ट रह जाती है, जिसकी वजह से उसको हमेशा अपने हाथों में खून दिखता है। सो ये आउट डैम स्पोर्ट से वही है जिसको वो बार बार धोती रहती है हाथों को, उसको लगता है कि ब्लड कहीं से मेरे हाथों से निकल जाए, वो गिल्ट उसकी कुछ कम हो जाए। और रात को चलते चलते भी वो यही वर्ड्स बोल रही है। वट इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट इन एज यू लाइक इट वेयर कैरेक्टर्स फाइंड लव एंड रिकॉन्सिलिएशन? एज यू लाइक इट में कौन सा फॉरेस्ट है? सो शेक्सपियर के कई प्लेज में कई सारे फॉरेस्ट हैं, ये हमें नाम याद रखने हैं, ठीक है। मैकबेथ में कौन सा है और एज यू लाइक इट में कौन सा है, तो ये अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। आर्डन फॉरेस्ट है जिसमें सारे लोग रिकनसाइल कर लेते हैं। हु इज द मूरिश जनरल्स एंड साइन इन ओथेलो हु बिकम्स द प्राइमरी एंटागोनिस्ट? एंटागोनिस्ट मतलब विलन, है ना। सो विलन कौन है ओथेलो में? विलन है इयागो। इन किंग लियर हु इज द लॉयल नोबलमैन हु रिमेन्स फेथफुल टू लियर डिस्पाइट बींग बैनिश्ड? सो किंग लियर ने में कौन सा ऐसा बंदा है जो, जिसको बैनिश करने के बाद भी वो फेथफुल रहता है, राजा का फेवरेट रहता है? कैंट। सो कैंट को क्यों देश निकाला दे दिया था, क्यों राज्य से निकाल दिया था? क्योंकि जब किंग लियर ने अपनी जायदाद को बांटा, अपनी किंगडम को बांटा, तो उसने रीगन एंड गोंड्रिल को सब कुछ दे दिया, और जो उसकी थर्ड बेटी है कोडिलिया, उसको कुछ नहीं दिया, जिसके बारे में फिर कैंट ने बोला कि आप ये गलत कर रहे हैं। और राजा को गुस्सा आ गया और उसने अपने इतने लॉयल और फेथफुल वर्कर को, नोबलमैन को निकाल दिया। बट फिर भी जो कैंट है वो भेष बदल कर किंग लियर की हमेशा मदद करता रहा। लास्ट में कोडिलिया को भी उसने हैंडल किया एंड किंग लियर को भी उसने बचाया। वट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर हु सर्व्स एज अ मैसेंजर बिटवीन रोमियो एंड जूलियट, जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट? रोमियो एंड जूलियट में रोमियो एंड जूलियट के मैसेजेस कौन पास कर रहा था? सो नर्स जो है वो पास कर रही थी, जब रोमियो को जूलियट से मिलना होता था, या जब रोमियो ने ये प्लान किया कि हम लोग एक सीक्रेट शादी कर लेते हैं, तो ये जो सारे मैसेजेस हैं ये पहुंचाए जा रहे थे नर्स के द्वारा जूलियट तक, जब रोमियो ने ये प्लान बनाया कि फ्रायर लॉरेंस के सेल में जाकर हम सीक्रेट मैरिज करेंगे, ये मैसेज भी नर्स ने जूलियट तक पहुंचाया था। हु इज द ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल्स, कॉर्नवॉल्स वाइफ इन किंग लियर नोन फॉर हर क्रुएलिटी? देखो नोन फॉर हर क्रुएलिटी, सबसे क्रूअल इसमें है रीगन एंड गॉनरिल, ठीक है। अब दूसरा इसमें आंसर ढूंढने का पॉइंट है कि ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल की वाइफ भी वो है। सो ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल की वाइफ है रीगन, रीगन विल बी द आंसर। विच प्ले इज ऑफन कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम प्ले ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स थीम एंड एम्बिगुअस रेजोल्यूशन? सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम प्ले क्या होता है। प्रॉब्लम प्ले एक तरह का ड्रामा होता है जो डील करता है सोशल इश्यू से, एंड वो लोगों को एनकरेज करता है कि लोग, जो ऑडियंस है जो उस प्ले को देख रही है, पढ़ रही है, कि वो सोचें उस प्रॉब्लम के बारे में एंड उसके सोल्यूशन के बारे में भी अपना दिमाग लगाएं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो ऐसे प्लेज को कहते हैं प्रॉब्लम
प्रॉब्लम प्लेस, तो कौन से प्लेस हैं शेक्सपियर के जो प्रॉब्लम प्लेस हैं? सबसे पहले जो हमें ऑप्शन दिए हैं उनमें देख लेते हैं। ट्रॉयलस एंड क्रिसीड जो है वो एक प्रॉब्लम प्ले है, उसके अलावा ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल भी एक प्रॉब्लम प्ले है, मेजर फॉर मेजर भी एक जो है प्रॉब्लम प्ले है। सो ये जो तीन प्लेस हैं इनको हम प्रॉब्लम प्लेस कह सकते हैं, मेजर फॉर मेजर, ट्रॉयलस इंटरसीड एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इन जूलियस सीजर व्हाट इज द कॉन्स्पिरेटर्स प्लान टू किल सीजर नोन एज? अब उस प्लान का क्या नाम था? द आइडस ऑफ मार्च कॉन्स्पिरेसी। मार्च मतलब मार्च का महीना है ना, एक मार्च होती है जो वो रिपब्लिक डे पे मार्च होती है। आइडस मतलब मिडल, मिडल ऑफ मार्च है ना। सो मिडल ऑफ मार्च जो है वो इस कॉन्स्पिरेसी का नाम था कि 15 मार्च को हम ये प्लान जो है सक्सेसफुल करेंगे। हु इज द बैनिश्ड कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट हु लीड्स अ पास्टोरल लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन? तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है पास्टोरल लाइफ यानी जंगल में जाकर वो एक सिंपल सी लाइफ जीता है? वो है ड्यूक सीनियर। वट इज द नेम ऑफ द यंग वुमन हु डिस्गाइसेस हरसेल्फ एज अ मैन टू एंटर द यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ इन द टेमिंग ऑफ द श्रू? सो बियांका जो है वो एक यंग वुमन है जो मैन की तरह डिस्गाइज करती है एंड पड़ुआ में एडमिशन लेना चाहती है। सो बियांका विल बी द आंसर। हु इज द विलेनस कैरेक्टर इन टीटस एंड्रोनिकस नोन फॉर हिज एवरेज रिवेंज अगेंस्ट टीटस? सो एरन जो है वो माना जाता है कि जो रिवेंज लेना चाहता था। सो यहाँ पर हमारे 75 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको 75 क्वेश्चंस और करने हैं शेक्सपियर से इसी तरह से मुझे बताना, मैं 75 क्वेश्चंस और बनाऊंगी आपके लिए। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, मैंने कलेक्ट किए हैं। एंड जो सरप्राइज की बात मैंने आपको कही थी, तो एक सरप्राइज भी है आपके लिए लास्ट में। हमें आजकल हर एग्जाम में, मैं जब भी कोई एग्जाम देखती हूँ, चाहे वो नेट सेट है, कोई भी एग्जाम है, हमें क्रोनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। एंड इसीलिए मैंने ये सोचा भी है कि मैं सेक्शन वाइज छोटी छोटी वीडियोस, लंबी वीडियोस ना हो, बोरिंग ना लगे आपको, क्योंकि क्रोनोलॉजी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। कॉन्सेप्ट हम समझेंगे थोड़ा सा एंड देखो क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ेगी, बट क्रोनोलॉजी को याद करने का हम तरीका निकालेंगे कोई कि आसानी से हो जाए। जैसे हम हमारे स्टूडेंट्स को क्या कराते हैं, जो प्रॉपर हमारी क्लासेस लेते हैं, हम उनको नोट्स ही इस सीरीज में देते हैं कि जैसे जैसे वो पढ़ रहे हैं वो क्रोनोलॉजी में पढ़ रहे हैं। बट अगर आपने वैसे तैयारी नहीं की है तो मैं छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपको कवर करवाने का सोच रही हूँ। तो नेक्स्ट मैं आपके लिए क्रोनोलॉजी की सीरीज लेकर आऊंगी जिसमें मैं एज वाइज आपको क्रोनोलॉजी कराऊंगी। एक वीडियो मैं बनाती हूँ आजकल, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्स आता है, आपको हेल्पफुल लगती है नहीं लगती है, आप मुझे बताना, ठीक है? और शेक्सपियर के ऊपर भी हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि लास्ट मोमेंट पे हम जितना ज़्यादा चीज़ें आंखों के आगे से निकालें उतना हमारे लिए बेनिफिट रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हम लोगों की जो मेहनत है, हमारी जो वीडियोज़ हैं। स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़। सी यू सून, बाय बाय।